जैसा कि हम प्राचीन समय में देखते थे कि जो पिजन्स होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब कैटफिश को आप देख सकते हैं पिक में, जो कैटफिश होती है इसके जो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, इसके जो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं ये इवन अर्थक्वेक आने के पहले तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है ना। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड बीज यूज देयर फीट टू टेस्ट देयर फूड। और हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि बटरफ्लाइज जो होते हैं, बीज जो होती हैं, ये अपने पैरों के द्वारा जो है स्वाद लेती हैं। द आईज ऑफ द कैमलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली। हम सभी को मालूम है कि जो गिरगिट होता है उसकी जो आईज होती है इंडिपेंडेंटली घूम सकती है चारों तरफ, देयर फॉर इट कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। इसीलिए वो एक ही समय पर दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है। द टंग ऑफ द पिक कंटेन 15,000 टेस्ट बड्स, फॉर द कंपेरिजन द ह्यूमन टंग हैज 9,000 ओनली टेस्ट बड्स। है तो जो पिग है उसकी जो स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ पर वो लगभग 15,000 होती हैं, जबकि एक ह्यूमन बींग जो होता है उसकी केवल 9,000 टेस्ट बड स्वाद कलिकाएं होती हैं। अ फ्रॉग हैज एन ईयर ड्रम ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द आईज। आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं इसकी जो आईज दिख रही है, आईज के ठीक पीछे ईयर ड्रम जो होता है ना, जिससे हम सुनते हैं, तो वो जो ईयर ड्रम होता है ठीक आंखों के पीछे की तरफ होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को लेसन 5 सुपर सेंस जो है रीड करना है, रीड एट होम ऑल्सो, है ना। इसका जो बुक वर्क है वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।